हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के पहले फेस कैम वीडियो में। और जैसा कि आप थंबनेल में शीर्षक देख पा रहे हैं, ये वीडियो है इस बारे में कि हमें रिपर्टराइजेशन के जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और क्या उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो इसी शीर्षक पर है, तो शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल है, जो जनरली मुझसे कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें क्या किसी भी रिपर्टराइजेशन के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना अनिवार्य है, तो अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका जवाब है कि आपको कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप बिना उसके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब होम्योपैथी का उत्पत्ति हुई थी, सृजन हुआ था, तो उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजिकल ऐसा कंप्यूटर का कोई एडवांसमेंट था नहीं, और इसी वजह से जो प्रिस्क्राइबिंग होती थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती थी और टू द पॉइंट हुआ करती थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी चीज़, जो दूसरा पॉइंट आता है कि क्या इसको यूज़ करना सही है या गलत है। देखिए, वो आपके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। मतलब इस सॉफ्टवेयर के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। जो दुष्परिणाम हैं वो ये हैं कि जो नए बच्चे प्रैक्टिस आते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए इस फील्ड में आते हैं, वो जनरली अपने पेरेंट्स को बोल के या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से पैसा कमाने के बाद कोई एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं उनके हैसियत के हिसाब से। अब वो जब वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चालू करते हैं तो देखिए एक बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी पैदा हो जाती है उसी सॉफ्टवेयर में, और उस वजह से जो नुकसान होते हैं वो ये होता है कि आपका मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी का नॉलेज, भाई मेरे लिए अगर कोई काम कर रहा है जो कि अपने इस केस के अंदर एक मशीन है, ठीक है ना, एक पीसी है जिसके अंदर हमने एक परचेज सॉफ्टवेयर डाला है, उसमें हम सिम्टम्स टाइप करते हैं और वो हमको दवा बताता है, तो मेरा ये सवाल है कि भाई फिर वो आपके अंदर के डॉक्टर का यूज़ कहाँ पर हो रहा है। सिर्फ इतना तो डॉक्टर नहीं होता कि भैया मैं सिम्टम से पूरी सिम्टोमेटोलॉजी लूँ और उसको उसके अंदर फीड करूँ और उससे मैं दवा निकाल लूँ। तो इस वजह से जो न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड के अंदर, उनका मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी का नॉलेज एम्ब्रास नहीं हो पाता, तो ये इस सॉफ्टवेयर का एक दुष्परिणाम है। दूसरा जो दुष्परिणाम इस सॉफ्टवेयर से हम लोग जनरली देखते हैं वो ये है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर, मान लीजिए मैंने 10 लक्षण डाले, तो वो सॉफ्टवेयर के लिए वो 10 के 10 लक्षण जो है ना वो सेम इम्पॉर्टेंस रखते हैं। मतलब वो उनको 10 के 10 को वो सेम इम्पॉर्टेंस देगा। उसका बस ये काम है कि ऐसी मेडिसिन निकालना है जो इन 10 सिम्टम्स में से मेजर सिम्टम्स को कवर करे। वो यहाँ पे ग्रेडेशन की बात नहीं कर रहा। कहने का मतलब कि अगर पेशेंट ने मेरे को 10 सिम्टम आकर बताए तो 10 सिम्टम में से पहले कुछ सिम्टम्स होंगे जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी, ये वो सिम्टम थे जिसकी वजह से उसको मेरे पास आना पड़ा। और अगर सॉफ्टवेयर को सारी की सारे सिम्टम्स के ऊपर मेडिसिन नहीं मिली तो वो कुछ मेडिसिन को, कुछ सिम्टम्स को डिस्कार्ड कर देगा और उसके बाद वो मान लीजिए 10 में से उसको 3 पे कॉमन मेडिसिन नहीं मिली तो वो 7 सिम्टम्स को ही कंसिडर करके हमको एक मेडिसिन बताएगा। और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो बचे हुए जो 3 सिम्टम जो उसने डिस्कार्ड करे, हो सकता है पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही वहीं पर थी, तो कहीं ना कहीं आप उसकी मेन प्रॉब्लम का इलाज करने से वंचित हो जाते हो। क्योंकि हम में से ज़्यादातर डॉक्टर ये जहमत नहीं उठाते हैं कि एनालिटिक्स में जाकर देख लें कि भाई इसने कौन से सिम्टम को कंसिडर करा है, कौन से सिम्टम को कंसिडर नहीं करा है, ठीक है ना। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के साथ। और जो जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के साथ प्रिस्क्राइबिंग के अंदर रहती है वो ये है कि सॉफ्टवेयर का यूज़ करते करते हम लोग कहीं ना कहीं अपने माइंड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। हम अपना याद करा हुआ मटेरिया मेडिका रिपर्टरी के नॉलेज को पूरी तरह से कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और वो भूल जाने की वजह से हम एज ए डॉक्टर हम लोग मतलब बिल्कुल बैसाखी पकड़ लेते हैं कि जैसे एक आदमी जिससे चलते नहीं बनता वो बैसाखियों का यूज़ करता है, उसी तरह से बंदा सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। और अगर उससे आपने वो सॉफ्टवेयर निकाल लिया, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे सवाल सभी लोगों से कर रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स से, उनसे भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं खासकर, कभी ऐसा हुआ है कि सॉफ्टवेयर ने कोई एक मेडिसिन बताई हो और आपको वो मेडिसिन देने के अंदर थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही हो?
क्योंकि आपका मेडिकल पर्सन के रूप में आपका मेडिकल माइंड हमेशा काम करता है। जब आपको पेशेंट का नरेशन सुन रहे थे, तो हो सकता है पहली कुछ लाइन में ही आप एक मेडिसिन के कंक्लूजन पे पहुंचने वाले थे या फिर पहुंचे थे, पर हुआ क्या कि आपके सॉफ्टवेयर ने आपको एक ऐसी मेडिसिन बताई जिससे आप सहमत नहीं थे, पर क्योंकि आपको उसी ट्रेंड पर प्रैक्टिस करने की आदत है, तो आपने क्या करा, अल्टीमेटली वही मेडिसिन उठा के उस पेशेंट को दे दी, जबकि आप वो मेडिसिन भी दे सकते थे जो आपके माइंड के अंदर पहले, सबसे पहले एज अ प्राइमा फेसिया आई थी। तो दोस्तों सॉफ्ट, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या फिर सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना चाहिए? नहीं, आप यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर, पर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का एक टाइम होता है। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का टाइम होता है कि जब आपकी प्रैक्टिस करते करते आपको एटलीस्ट 5 से 7 साल हो चुके हैं, और मैनुअल प्रैक्टिस करके, मैनुअल रिपर्टराइजेशन करके, है ना, अगर आपने मैनुअल रिपर्टराइजेशन से आप केस को ठीक करने लग गए हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर डेफिनेटली मदद करने वाला है। क्योंकि देखिए, जो पेशेंट जितनी भी बातें बताता है वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हमको पहले प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हमको हो सकता है डिस्कार्ड करना पड़े। तो ये जो है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और मेरा चैलेंज है कि अगर आपने 5 से 7 साल तक अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, और उसके बाद अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चालू करेंगे, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कभी भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे उसकी बताई हुई दवा को देने की, क्योंकि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस बाय दैट टाइम हो चुका होगा कि आप कभी, मतलब उससे आप एग्री ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट जो सॉफ्टवेयर के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ये एक हिंड्रेंस होता है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, कि जब हम मैनुअल रिपर्टराइजेशन करते हैं तो हम पेशेंट से बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सिम्टम्स ले सकते हैं। ठीक है ना, वो डाटा हमारे पास रहता है कम, पर वो रहता है रिलीवेंट, वो बहुत रिलीवेंट डाटा होता है। उसके अंदर हम उसका सेंसेशन, लोकेशन, मॉडिलिटी और कॉन्कोमिटेंट, जो बोरिक का जो तरीका बताया गया था, हम अगर उससे उसको हंट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस हैं कि हम एक बहुत ही परफेक्ट मेडिसिन निकाल के उसको दे सकते हैं। पर होता क्या है कि जब हम सॉफ्टवेयर लेके बैठ जाते हैं, अब क्योंकि हमको खुद रिपर्टराइज नहीं करना है, अब हमारे लिए रिपर्टराइजेशन का पूरा काम वो सॉफ्टवेयर करेगा, तो दोस्तों हम लोग इतना ज़्यादा सिम्टम्स उससे ले लेते हैं। इस कंडीशन को, जो टेक्निकल वर्ल्ड है इसके अंदर, इस कंडीशन को कहा जाता है एनालिसिस पैरालिसिस। कहने का मतलब, हमने इतना ज़्यादा डाटा ले लिया, क्योंकि देखिए मैनुअल प्रैक्टिस में वो डाटा हम नहीं लेते, हमको पता था कि इसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमको पता था इन सिम्टम्स का हम रूब्रिक नहीं बना पाएंगे, पर रडार जैसा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि आप कोई भी सिम्टम को डालेंगे ना, तो उसके नियरेस्ट नियरेस्ट रूब्रिक बना के उसको वो आपके सामने फीड कर देगा आपके सिस्टम पर। तो इन दैट केस आप डेफिनेटली, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, 50-55 हज़ार खर्च कर रहे हैं, तो भाई हम बिल्कुल उसको यूज़ करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम डालेंगे, और वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों, वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है कि वो जो है आपके 20 सिम्टम्स में से आपने रिजल्ट में देख लिया कि इसने 13 या 14 सिम्टम को कवर करके ये मेडिसिन बताई, पर आप 7 सिम्टम को जाके कभी नहीं देखेंगे कि यार इसने 7 सिम्टम कौन से थे जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम में से इसने निकाल दिए। यहाँ वही वही वाली बात आ गई कि हो सकता है उसने वही सिम्टम निकाल दिए हों जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी। और मेरे ओपिनियन में ये सॉफ्टवेयर से बड़ा दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये वही सॉफ्टवेयर था जो हैनीमैन ने चलाया था, और हैनीमैन ने होम्योपैथी की पूरी उत्पत्ति कर दी थी अपने टाइम में ही। उनने 100 से ज़्यादा मेडिसिन की 101% प्रूविंग कर दी थी। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में नक्स वोमिका के 550 सिम्टम लिखे हुए हैं। तो सोचिए कि ये इससे बड़ा कुछ नहीं इस दुनिया में, आपको इस पे विश्वास करना पड़ेगा, और मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा, मेरे को एक एग्जांपल उसका मैं आपको देता हूँ कि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो बच्चे मेरे पास प्रैक्टिस सीखने आते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों को पता है शॉर्टकट के लिए वो पहले इनिशियली मैन्युअली प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, फिर जब प्रैक्टिस में रिजल्ट नहीं आता तो उनको ऐसा लगता है कि यार चलो सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर लेने के बाद भी उनको ये जब समझ में आता है, फिर वो मेरे पास आते हैं कि सर सॉफ्टवेयर ले लिया फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी प्रैक्टिस का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी का बहुत अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा माइंड ही, सॉफ्टवेयर ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी है।
सॉफ्टवेयर ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन मटेरिया मेडिका को याद करके पेपर नहीं दिया है, हमने दिया था। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें आपको बहुत बड़ा रिपर्टराइजेशन करना पड़ता है, तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करिए। पर अगर कोई एक्यूट केस के अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं कि बोन ब्रेक बोन फीवर है, हड्डी तोड़ बुखार आ रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये बहुत, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप यूपेटोरियम परफोरेटम जैसी दवा को असेस कर सकते हो कि हाँ यार इसको ऐसा ऐसा फुगा बुखार आ रहा है, ये यूपेटोरियम का लक्षण है, तो मैं इसको यूपेटोरियम दे दूँ। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से आप दूर रहेंगे, अपने ब्रेन पे, अपने माइंड के ऊपर, अपने इंटेलिजेंस पे रिलाई करेंगे, होम्योपैथी तभी आगे जाएगी। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेस कैम जो सीरीज़ है अब मैंने चालू करी है, इसके अंदर मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो अलग अलग कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर डालने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को, और आप किस टॉपिक पे भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वो सभी लोग कमेंट सेक्शन में मेरी गांव को गालियां दे सकते हैं जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से संतुष्ट हैं, मैं बिल्कुल स्पोर्टिंगली उन सब चीज़ों को लूँगा। और जो मेरे इस बात से भी सहमत हैं कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से बचना चाहिए, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपसे अगले फेस कैम वीडियो और दूसरे वीडियो में मुलाकात होती है। नमस्कार, थैंक यू।